कुछ दिन के बाद ये जो पुल आप लोग देख रहे हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिवाइडर डालने का काम दोनों तरफ चल रहा है। बहुत बढ़िया होगा, मैं आपका भाई आर्यन फिर से आपके डिमांड पे आ चुका हूँ। आज का वीडियो होने वाला गैलैंड पुल के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये गैलैंड का पुल है जो अभी ऊपर का अपडेट है, नीचे का भी अपडेट उस साइड से जाके देंगे। तो वीडियो को बने हुए रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जोर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से आप लोग ऊपर से देख लीजिए, ये जो है बिल्डिंग, ये अनीता सिंह का बिल्डिंग है और यहीं से पुल नीचे डाउन चला गया और पूरे घर को तोड़ते हुए। तो चलिए नीचे का भी वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को बहुत ही अपने तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ऐसे ऐसे अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। पटना में जितना भी काम होगा उसके बारे में भी अपडेट देते रहेंगे और जो आप लोग डिमांड करिएगा उसके बारे में भी अपडेट देते रहेंगे। और ये देख सकते हैं चिमनी, ये चिमनी किस चीज़ को याद है, बहुत ही पुराना मेरा बहुत, ये चिमनी बहुत ही पुराना है और इससे क्या किया जाता था, तो बिजली उत्पादन किया जाता था कोयले के मदद से, जो अब नहीं होता है और ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुछ दिन के बाद ये भी कट के और बट जाएगा, बहुत ही पुराना हो चुका है। और कर भी गईगा अपडेट दे चुका है, आप लोग कर भी गईगा अपडेट जाके चेक कर लीजिएगा। एक भाई लोग मैसेज कर रहा था, एक भाई कि कर भी गैया का अपडेट दे दीजिए, तो मैंने कर भी गैया का अपडेट, इस पुल का अपडेट दे चुका हूँ, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग। और ये कर भी गैया का पुल किस लिए रुका हुआ यहाँ का काम, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस साइड से भी पिचिंग कर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रोड भी अब चालू कर दिया जाएगा, जो लोग इस रूट से आ रहे थे अब इस रूट को बंद किया जाएगा, जो उधर से घूम के आ रहे थे पीछे से। पुल जो बनने के बाद ये जो घूमती रहेगा, इस घूमती पर बहुत ही आसान पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्ट ऊपर से हम लोग निकल जाएंगे। ये जो घूमती है यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत देर तक घूमती लगा हुआ रहता है। तो गया लाइन पुल को बनने से ये बहुत ही राहत होगी लोगों को कि सीधे निकल जाएंगे आगे की तरफ घूमती से ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडर को ऊपर रखने का काम चल रहा है और जैक के द्वारा ग्रेडर को ऊपर रखने का काम यहाँ पे चल रहा है पिलर को, और ऊपर यहाँ पे दो दो तीन ग्रेडर रखा गया है साइड में भी आप लोग देख सकते हैं, और इसे अब ज्वाइन किया जाएगा ऊपर में। इधर भी वर्कर लोग लगे हुए हैं, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर वर्कर लोग लगे हुए हैं पूरा काम करने में, और देख सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर काम चल रहा है।
इस साइड में देख सकते हैं अनीता सिंह की तरफ जो जाता है और बीडी कॉलेज की तरफ ये जो रूट जाता है रास्ता, और यहाँ पे रोड अभी बंद है और ये इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पे वर्क चल रहा है, कुछ हादसा ना हो जाए इसीलिए यहाँ पे रोड बंद कर दिया गया है। अगर ये रोड चालू रहता तो यहाँ पे बहुत ही जाम लगते रहता। और ये देख सकते हैं ग्राइंडर ऊपर रखा गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। उस दिन में यहाँ पे पिचिंग वगैरह का भी काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, आप लोग देख लीजिए यहाँ का व्यू। तो आज से कुछ दिन के बाद ये जो पुल आप लोग देख रहे हैं इस टाइप से, उस दिन के बाद आप लोग ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अभी इधर का काम, अभी ग्राइडर रखने का काम चल रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है जैक से, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। क्योंकि अगर जब इधर का जो काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग चढ़िएगा और चले जाइएगा जीपीओ की तरफ, और जीपीओ से भी आगे जा सकते हैं, गांधी मैदान भी जा सकते हैं, बहुत जगह जा सकते हैं जब ये रूट कम्प्लीट हो जाएगा। और ये रूट कम्प्लीट होने के, जब ये पुल कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो आप लोग गुमटी देख रहे हैं, जो ये गुमटी है गैलाइन पुल का नीचे का गुमटी, ये गुमटी का भी केस ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ये गुमटी पर जाम अक्सर लगते रहता है क्योंकि ऑटो वाले ने स्टैंड बनाए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जाम भी लगते रहता है। तो गुमटी का भी काम ख़त्म हो जाएगा, लोग ऊपर से ही निकल जाएंगे पुल के ऊपर से ही। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं, आगे में क्या काम चल रहा है और जो पुल है मेन उसका काम कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस साइड में तो आप लोग देख सकते हैं ग्राइडर को ऊपर में रख दिया गया, ग्राइडर को, और उस साइड में क्या काम चल रहा है, पुल में पिचिंग वगैरह हुआ कि नहीं, ट्रैविस वगैरह बिछा कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप लोग देख लीजिए अभी अनीता सिंह का इधर का अपडेट। अब चलिए आप लोग लेबर कोर्ट के तरफ का अपडेट आप लोगों को देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्पो लोग के बदमाशी। आप लोग इस साइड का सीन देख लीजिए, चाय पुल का चल रहा है यहाँ पे काम, और यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं डिवाइडर भी डालने का काम चल रहा है, और ये रोड इतना पतला हो चुका है ना कि टेम्पो ठीक से नहीं निकल पा रहा। अगर कोई बड़ा सा एक बस घुस जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइडर डालने का भी काम चल रहा है ऊपर में पुल के भी, और नीचे का भी डिवाइडर डालने का काम चल रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह 8:30 बजे से वर्कर लोग यहाँ पे लगे हुए हैं काम में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिवाइडर डालने का काम दोनों तरफ चल रहा है, और बीच में लाइटिंग वगैरह लगाने का भी काम चल रहा है। अगर आप लोग सिपारा की तरफ से आते हैं तो सीधे ये पुल को पकड़ कर डायरेक्ट आप लोग जीपीओ से होते हुए गांधी मैदान की तरफ भी निकल सकते, PMCH के भी तरफ निकल सकते हैं, और मरीन ड्राइव के भी तरफ निकल सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हो वर्कर लोग लगे हुए काम करने में बहुत ही बिजी हैं। सुबह का टाइम अभी 8:00 बज रहा है, और सुबह के टाइम में ही हम वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को बने हुए रहे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। और नीचे का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राफेल वगैरह बिछा दिया गया, बहुत ही जल्दी इसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर ब्लैक टॉप भी कम। तो चलिए थैंक यू, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अगला टॉपिक आप लोग को किस वीडियो पे चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा, डिमांड करिएगा, तो उस डिमांड पे आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ।